सो हेलो गाइस, तो गाइस फाइनली एलबीस यादव के बारे में मुनव्वर फारूकी का भी रिएक्शन आ चुका है। गाइस आपको तो पता ही होगा, जब से एलबीस यादव आईएसपीएल में मुनव्वर फारूकी से मिले थे तभी से उनके काफी सारे फैंस उनके अगेंस्ट हो गए थे कि ये तो उस बंदे को गले लगा रहा है जिसने हमारे भगवान का मजाक बनाया है, ये सच्चा हिंदू है ही नहीं। जिसके बाद एलबीस ने अपने सभी फैंस से माफी भी मांग ली थी। बट गाइस एलबीस यादव के कस्टडी में जाने के बाद मुनव्वर फारूकी ने क्या कहा, आप उन्हीं से सुनिए। भाई आपने देखा वो खबर? जी भाई, एलबीस वाली खबर देखी? भाई आपने बोला, मेरे को मालूम पड़ा, मैं तो शूट पे था, मेरे को मालूम नहीं। अंदर आके चेक किया बट नहीं, मेरा फोन बंद है, बैटरी लो की वजह से। बट आई चेक पर अरेस्ट हो चुके हैं अभी, मतलब पूछताछ हो रही है उनसे। वही जो भाई वो क्या चल रहा है, ये हो रहा है, मैं इंटरनेट से बहुत दूर हूं, सोशल मीडिया से 3-4 दिन से शूट कर रहा हूं। लास्ट वीक रमजान में 5 महीना चल रहा है, आप काम भी कर रहे हैं, कैसे से मैनेज हो रहा है? बस काम तो जरूरी है, हर चीज बरकत है महीने की बढ़िया सी, और फेस्टिवल पे फेस्टिवल, आज होली का शूट था, तो वही है। एक रमजान मुबारक आपके सब, रमजान मुबारक सब फैंस और जितने भी देखने वाले सबको, रमजान मुबारक। थैंक यू सो मच।